ऑनलाइन में कितना भी दिए थे लोग, 499 डबल स्टार हो गया। अब ऑनलाइन का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? ऑनलाइन वालों के लिए जो लड़के लोग को लगता है कि नहीं, खैर यूपीएससी के लिए एकदम परेशान है सब ऑनलाइन वाला सब, यहाँ पे बहुत जल्दी आप लोग को भी ऑनलाइन दिया जाएगा। ऑनलाइन में भी कुछ पढ़ाई की चुनौतियां होती है, ये लोग जॉब में रहते हुए पढ़ाई किए, इनका फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ, आप लोग को भी प्रेरणा लेना चाहिए और कोशिश करना चाहिए माँ बाप का सपना जल्दी से जल्दी पूरा करें। जय हिंद दोस्तों। हम वैसे सर जब कहते थे ना जो ये क्वेश्चन गैंगमैन खलासी चपरासी के लिए, तो हम लोग को मतलब बुरा नहीं लगता था, लगता था कि नहीं यार यहाँ से हमें निकलना है, मतलब गैंगमैन में हम भी थे और वहाँ से मतलब क्या बताएं, अब वहाँ पढ़ना पड़ता है गिट्टी पर, कभी नाइट पेट्रोलिंग होता है तो नाइट में उतना ठंड में पढ़ना पड़ता है और वो पढ़ना ही पड़ेगा आपको अगर वहाँ से निकलना है, अदरवाइज वहाँ वहीं जी जी, और वहाँ अगर रह जाते हैं तो आप समझ सकते हैं। मैंने मतलब वहाँ पे दो लोगों को देखा जो रिटायर हुए, मतलब बुरे थे, उनको देख के हमें लगा कि नहीं यार यहाँ तो नहीं रहना है, मतलब इतना मतलब क्या बताएं, उनका ये दुर्दशा हो गया था कि बिल्कुल मतलब सिर्फ हड्डी था उनके शरीर में, और हमें लगा तो नहीं यहाँ से तो निकलना है बहुत जल्द। और वहाँ मेन बात था क्या, लोग कहते थे कि जो 3 साल होने के बाद वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, मतलब यहाँ पैसा देख लेता है तो आदमी कहता है कि जो कौन अब निकलेगा, पैसा आ ही रहा है 30,000 का महीना तो कौन निकलेगा, लेकिन नहीं कहे जो नहीं ये जो है सो टर्म बदलना है। और गांव में भी आज तक जो मतलब एक भी सरकारी जॉब नहीं है मेरे गांव में, तो लोग कहते थे कि जो एक चीज तो हमको बड़ा अच्छा लगा कि ऑनलाइन आने के बाद से ना अब कोई भी इंसान को ना पढ़ाई, अब ये नहीं कह सकता कि हमारी पढ़ाई पैसों की वजह से छूटी थी। हमारे टाइम पे बहुत सारे ऐसे लड़के जो हमारे बैच में पढ़ते थे या हम ही लोग के समय ना पैसे पढ़ाई बहुत महंगा था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता है। और ये खुशी होती है कि चलिए अब कोई भी जैसे ही बोले कि 499 भी नहीं खर्चा किए थे, लेकिन अभी आप तो लोग जहां भी जाइएगा जो भी एरिया मिलेगा याद रखिएगा कि अगर आपके कलम से या कैसे भी किसी भी गरीब के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, अगर अन्याय हो रहा है किसी से लड़ लीजिएगा, कितना बड़का सीनियर हो, ज्यादा बैठेगा ना तो उस सीनियर की जगह आपको पहुंचा दिया जाएगा। आप बताइए लड़के का जीवन कितना, ग्रुप डी की जॉब बड़ी मेहनत वाला है, गिट्टी के ऊपर ट्रैक, रेलवे ट्रैक के ऊपर ना गिट्टी उठवाने का, आप देखते हो ना गिट्टी बिखर जाती है तो उठा के रखना पड़ता है, बहुत मेहनत का जॉब है, बहुत चैलेंजिंग काम। अच्छा मेहनत करने के बाद ना फिर शरीर थक जाता है तो पढ़ने का भी मन नहीं करता है। जिस दिन हम लोग को काम कम मिलता था तो शाम को पढ़ाई नहीं हो पाता था मतलब, और जिस दिन काम ज्यादा मिलता था तो मतलब खाना बने चाहे ना पढ़ाई होना चाहिए। तो ये जज्बा रहा तभी इन लोग को यहाँ पहुंचाया, मतलब इनके कहने का मतलब जिस दिन ज्यादा मेहनत रहता था उस दिन और ये लोग पढ़ाई करते थे। अब पहले हम जब यहाँ पे अपने गांव में रहते थे मधेपुरा में, तो वहाँ से बस वीडियो देखते थे जो कोई टॉपर भाई भैया आए हैं और वो बोलते थे, तो वहीं से बैठ के एक दिन हमने डिसाइड किया था कि एक दिन इस मंच पे जरूर पहुँचना है। भले ही हम ऑफलाइन क्लास करके हम कभी नहीं आ पाए क्योंकि हम वहीं पर रहते थे, लेकिन ऑनलाइन क्लास में एक दिन हम जरूर मतलब ऑनलाइन क्लास के थ्रू एक दिन इस मंच पे जरूर पहुंचने का सपना देखे थे और आज वो साकार हो पाया। जैसा कि अब ऑनलाइन में आप सब लोगों को ना यहाँ पे ना अभी आप लोग का पूरा प्रोग्राम होगा, वहाँ शपथ वगैरह सारा चीज होगा, एक और शपथ हम आपको दिलाते हैं सब लोग को यहाँ पे, आप लोग से कहते हैं अगला बार जब यहाँ आना है IPS बन ट्रिपल मेंस, तो आप लोग आपको मेंस इसका तो इसी बार हो जाने वाला है, मेंस लिखना है BPSC में तो उसमें DSP हो जाएगा, तो कोई बात नहीं एक बार DSP फिर एक बार IPS। एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है, जैसे आप लोग जब जाइएगा ना ऊपर तो एक बहुत बड़ा मायने रखता है ना कि अगर डायरेक्ट कोई ऊपर आता है तो उसको पता ही नहीं रहता कि नीचे वालों को क्या समस्या होता है, तो ये वाला जो होना तो आप लोग को बहुत फायदा होगा। अभी इतना यंग होंगे लोग 23 बढ़िया है। आप तो बनी आप ऑफलाइन की थी, और जब भी घर जाइए ना मम्मी पापा या गुरु का पैर छुए तो टोपी पे उसमें ना, क्योंकि उसमें भारत का चिन्ह होता है, तो माँ बाप सबके ऊपर क्या है देश। तो ये सब चीजें अभी जीवन में बहुत कुछ करना है आपको, ठीक है। इधर तो बहुत इतना अच्छा से पढ़ाते हैं कि क्लास में याद हो जाता था, और वो बातें मतलब 2019 में पढ़े थे और ये 2021 में जो एग्जाम दे रहे थे वो सारी बातें मतलब हिस्ट्री तो एकदम दिमाग में छप जाता है जो भी सर पढ़ाते थे। वही सर को बहुत बहुत धन्यवाद है कि इतना मतलब हम लोग काबिल बनाए कि इस पोस्ट पे आ गए,
और आगे बढ़ना है हम लोग को, और सर ऐसे गाइड करते रहिए। सर के फैन तो मेरे पापा भी है, मेरे घर में सब लोग हैं, पापा भी देखते हैं, घर में सब लोग देखता है। और ये मतलब गर्व की बात है कि सर के पास हम लोगों ने क्लास किया, और सर को बहुत बहुत फिर से धन्यवाद। चलिए, आप सब लोग के मम्मी पापा भी देखेंगे तो बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे, और आप सब लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी यहाँ हैं, और आप लोगों को भी हम एक जिम्मेदारी के साथ लौटाते हैं कि दोबारा आप लोग फिर आए ट्रिपल स्टार के साथ। समझ आ गई ना क्या? और जितने लड़के पढ़ते हैं ना, आप सबको कहते हैं सबसे ज्यादा जरूरी फाउंडेशन बैच, अगर आप उसको पढ़े रहेंगे ना, फिर कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप सब